देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। स्वर्ण कार की दुकान से नकदी व आभूषण चुरा ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस। कस्बा गोवर्धन में बीती रात सर्राफ की दुकान से अज्ञात चोरों ने नकदी व चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी दुकान खोलने पर सर्राफ को ही शटर का ताला खुले होने पर चोरी की जानकारी हुई तो सूचना थाना पुलिस को दी। दुकान स्वामी के अनुसार चोर दुकान से नकदी सहित तकरीबन 3 किलो चांदी के आभूषण चुरा ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह जब पवन सोनी दुकान खोलने गया तो दुकान की शटर आसानी से खुल गई। वही देखा कि चोर दुकान के पीछे बने अहाते के माध्यम से घुसे तथा पीछे की तरफ लोहे के गेट की जालियों की एंगल तोड़कर दुकान में दाखिल होकर माल पार्क कर ले गए। वहीं चोरों ने दुकान व अहाते में लगे CCTV कैमरों की केबिलों को भी तोड़ दिया। पीड़ित स्वर्णकार की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, ASP अनिरुद्ध सिंह, CO गोवर्धन रविकांत पाराशर मय फोर्स मौके पर पहुंच गए तथा चोरी की घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने फिंगरप्रिंट आदि के लिए मथुरा से SLT भी बुलवाई। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। वहीं पीड़ित स्वर्णकार पवन सोनी ने पुलिस को चोरी की तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? पवन जी, देखिए आपकी दुकान है, सराफे की दुकान है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें रात को चोरी हुई है, क्या मामला है? मामला ये, मैंने सुबह आके ये शटर खोली है तो उसमें मेरी चोरी हो गई है। मेरे दो गेट हैं, एक बाहर का शटर का है और एक पीछे का है। पीछे वाला गेट तोड़ दिया। लगभग कितना माल चोरी हुआ? पायल चली गई मेरी, तोड़ गया एकदम। 1 किलो 700 ग्राम के लगभग पायल है और एक कच्ची चांदी है 1.5 किलो और मेरा कैश है 5-6 हज़ार रुपये। जी, सामान मेरा गया। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आ गई मौके पर। पुलिस मौके पर आ रही है, छानबीन कर रही है। लगभग कितने बजे की घटना रही होगी ये? अभी तो रात्रि का टाइम था, मुझे जानकारी नहीं है। मैंने सुबह आई है, मैं रूपये से रहता हूँ, परेशान रूप में देता हूँ। किस नाम से दुकान है? गिरधारीलाल पवन कुमार के नाम से। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़ अपराध के खिलाफ।